नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि। सबसे पहले नजर डालेंगे भोपाल की बड़ी खबरों पर। भिंड में नए कलेक्टर व एसपी नियुक्त, ईवीएम से निकली थी बीजेपी की पर्ची। पेड़ से निकल रही आग चमत्कार समझकर लोग पहुंचे पूजा करने। बढ़ी बिजली दरों पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर लगाया आरोप। मंत्री के गुर्गों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। पोस्टमार्टम कराने मर्चुरी पहुंचे सारण। पर्यावरण का संदेश देने हुए रन फॉर भोपाल रेस। इंदौर से दौड़ते आए दिल्ली के अरुण भारद्वाज। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे 9 अप्रैल को अटेर और बांधवगढ़ में होने जा रहे विधानसभा उपचुनावों की। जी हां, इन उपचुनावों से ठीक पहले चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने भिंड में नए एसपी और कलेक्टर की तैनाती की है। वहीं भिंड में नए कलेक्टर के रूप में किरण गोपाल को चुना गया है, जबकि एसपी के रूप में सुशांत सक्सेना की नियुक्ति हुई है। आपको बता दें कि इस बारे में रविवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले आयोग को भिंड की अटेर सीट पर जब ईवीएम के परीक्षण में दो बार बटन दबाने पर बीजेपी की पर्ची निकलने का मामला सामने आया था, तो शनिवार देर रात चुनाव आयोग को सख्त कदम उठाने पड़े। भिंड के पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी हुए। जिले के 18 अफसर और कर्मचारी भी आयोग की जांच के दायरे में आए हैं। उपचुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन की लगातार शिकायतें आ रही हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सहित अन्य दल ईवीएम में गड़बड़ी की शंका लगातार जता रहे हैं। वहीं शुक्रवार को भिंड में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने पहुंची प्रदेश की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सलीना सिंह की मौजूदगी के दौरान भी ईवीएम पर सवाल उठे। आरोप है कि ईवीएम के साथ वीवीपीएटी के डेमो के दौरान कोई भी बटन दबाने पर कमल का फूल भी छप रहा था। ये डेमो खुद सलीना सिंह दे रही थी। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखित शिकायत पर आशंका जाहिर की है कि सलीना सिंह के रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने 18 लोगों के नामों की सूची भी आयोग को दी है। इस सूची में कहा गया है कि ये सत्तारूढ़ दल के लिए काम कर रहे हैं। आयोग ने शिकायत की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। जांच की रिपोर्ट के बाद इन 18 लोगों पर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पहली बार ईवीएम के साथ वीवीपीएटी मशीन का उपयोग किया जा रहा है। मतदान के साथ ही मतदाता ये भी देख सकेगा कि उसने जो वोट दिया है वो सही जगह पड़ा है या नहीं। प्रमाण के तौर पर मतदाता को पर्ची भी मिलेगी। मतदान के साथ ही मतदाता 7 सेकंड तक दिए गए वोट को देख सकेंगे। उन्होंने दावा किया कि ये चुनाव के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। ये देखिए, 4 नंबर पे जो भी नाम है, 1, 2, 3, 4 जो भी आप डालेंगे उसमें नाम सबके पे समझ। हाँ, ये सब करने के लिए फिर उसको ऑन कीजिए। ओके, ठीक है। तो इसमें 3 नंबर के उसका राज्यपाल और उनका चिन्ह आ रहा है। अब अभी कोई दबाएगा तो कुछ नहीं होगा। ये करके आप कर सकते हैं। अभी हमने साथ साथ दबा दिया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। प्रेस में ऐसा देते हैं तो फिर आपको हम खाने में बिठाएंगे। अच्छे से खाने में कहते हैं कि मध्य प्रदेश चमत्कारों का देश है। यहाँ हर गांव हर शहर में आपको कुछ ऐसी बातें देखने और सुनने को मिल जाएंगी जिन पर विश्वास करना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। कई बार इन चमत्कारों पर हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन भोपाल में इस समय जो चमत्कार देखने को मिल रहा है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। जी हाँ, ऐसा ही चमत्कार भोपाल की बैरसिया तहसील के गाँव रुन्हा में पिछले कुछ घंटों से देखने को मिल रहा है। यहाँ एक पेड़ के अंदर से कई घंटों से आग निकल रही है। आग इतनी तेज है कि उसकी लपटें पेड़ से बाहर निकलकर कई मीटर ऊपर तक दिखाई दे रही हैं। रुन्हा गांव में कुछ लोग एक पेड़ से निकल रही आग को देखकर हैरान थे। पहले लोगों ने सोचा कि आग बुझ जाएगी, लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बाद भी जब आग नहीं बुझी तो ग्रामीण इसे चमत्कार मानकर पेड़ की पूजा करने पहुंच गए। आग को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पेड़ के अंदर कोई भट्टी जल रही हो। कल रात से फायर ब्रिगेड की गाड़ी दो बार इस आग को बुझाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। गांव के काजी बाबा के स्थान के पास लगे इमली के पेड़ में ये आग लगी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बैरसिया के ब्लॉक कॉलोनी के पास लगे एक पेड़ में इसी तरह की आग लगी थी, जिससे पूरा पेड़ जलकर खाक हो गया था। मध्य प्रदेश में 10 अप्रैल से बिजली 9.48% महंगी हो जाएगी। बिजली कंपनियों के इस फैसले का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध किया है। आम आदमी पार्टी ने जहां भोपाल में शिवराज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहीं कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर
अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश वासियों को महंगी बिजली देने का आरोप लगाया। आपको बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सरकार निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बिजली की दरों को बढ़ा रही है। ये प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त बोझ है जिसे सरकार को वापस लेना चाहिए। आप कार्यकर्ताओं ने शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बिजली की बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने किसान, गरीब और मध्यम वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं पर दर वृद्धि की मांग का कड़ा विरोध किया। यादव ने कहा कि बिजली के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी को अडानी, अंबानी और इन जैसे अन्य बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने और सूबे की जनता के साथ अत्याचार माना जाए। यादव ने एक बयान जारी कर कहा कि प्रदेश की शिवराज सरकार बार बार सरप्लस बिजली स्टेट होने का दावा करती है। सरकार के दावों के मुताबिक 14,000 मेगावाट के लगभग बिजली की उपलब्धता मध्य प्रदेश के पास है। अगले 2 सालों में इस उपलब्धता को 20,000 मेगावाट तक पहुंचाने का दावा मुख्यमंत्री बार बार कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी बिजली कंपनियों ने फिक्स चार्ज के साथ साथ टैरिफ भी बढ़ा दिए। यादव ने कहा कि यदि दरों में वृद्धि का फैसला सरकार ने वापस नहीं लिया तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी राज्य व्यापी आंदोलन करेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बजरिया इलाके में शनिवार देर रात 2 ग्रुप्स में जमकर गैंग वॉर हुआ। यहां द्वारका नगर में बाइक सवार आधा दर्जन नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने मंत्री समर्थक अमित चौहान उर्फ अम्मू की सरेराह हत्या कर दी, जबकि दूसरे समर्थक मनोज उर्फ मनु की रविवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। ये दोनों सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग के करीबी माने जाते हैं। अमित और मनोज की मौत के बाद से द्वारका नगर में तनाव फैला था, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने यहां काफी संख्या में बल तैनात किया था। पुलिस की मौजूदगी में दोपहर करीब 4 बजे अमित और मनु का शव उनके घर पहुंचा, जहां से पुलिस के घेरे में ही अंतिम शव यात्रा निकाली गई। इससे पहले हत्या के विरोध में द्वारका नगर का बाजार बंद रहा। इससे पहले पुलिस ने बताया कि अमित को हमलावरों ने गोली मारी, जिससे उसका शरीर तड़प रहा था। बेरहमी से बीच सड़क पर ही उसका गला रेत दिया गया। फायरिंग में गोली लगने से अमित का साथी मनोज उर्फ मनु घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंत्री सारंग को जब समर्थकों पर हमले की खबर मिली तो वे भी रात में ही अस्पताल पहुंच गए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। हमला करने वाले बाकी लोग अभी भी फरार हैं। एसपी बहुगुणा के मुताबिक द्वारका नगर निवासी अमित चौहान राजनीति के साथ प्रॉपर्टी का काम करता था। शनिवार रात करीब 8 बजे अमित अपने दोस्त मनोज कुशवाहा के साथ मरी माता मंदिर के पास पुलिया पर खड़ा था। इस बीच दो बाइक में आए तकरीबन आधा दर्जन बदमाशों ने दोनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। वहीं दो बदमाशों ने मनोज के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में दोनों जमीन पर गिर पड़े। गोलियों की गूंज सुनकर मोहल्ले के लोग जब तक पहुंचते तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। बाद में लोगों ने अमित और मनोज को ऑटो से अस्पताल पहुंचाया, जहां अमित को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इस क्षेत्र में तनाव की स्थिति है। बाद में अस्पताल और घटना क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हमले की वजह अमित की पुरानी रंजिश के साथ उसका इलाके में बढ़ता राजनीतिक दबदबा और जमीनों से जुड़े पुराने विवाद माने जा रहे हैं। पुलिस ने देर रात एक संदिग्ध हमलावर पवन सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के मुताबिक पुराने रंजिश और जमीन से जुड़े सौदे को लेकर विवाद होने की बात सिसोदिया ने कबूली है। Thank you.
भागदौड़ भरी जिंदगी और पर्यावरण प्रदूषण की चुनौतियों के बीच सेहतमंद बने रहना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन इंदौर के एक शख्स ने लोगों के सामने एक मिसाल पेश की है कि अगर आप चाहें तो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने तन और मन को स्वस्थ रख सकते हैं। इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये शख्स इंदौर से भोपाल तक दौड़कर ही पहुंच गया। दिल्ली के अरुण कुमार भारद्वाज जो लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दे रहे हैं, उन्होंने ये दौड़ पूरी की। अरुण भारद्वाज ने इंदौर से दौड़ना शुरू किया तो कहीं नहीं रुके। लगातार दौड़ते हुए वे आज सुबह 10 बजे भोपाल के बैरागढ़ पहुंचे। आपको बता दें कि अरुण कुमार यहां रविवार को रन भोपाल रन कार्यक्रम में रन फॉर पॉजिटिविटी में पार्टिसिपेट करने आए थे। इससे पहले भोपाल में बच्चों को पॉजिटिविटी देने के लिए रविवार की सुबह रन फॉर पॉजिटिविटी का आयोजन किया गया। 5 किलोमीटर की मिनी मैराथन रविंद्र भवन से शुरू होकर नूर बाग मस्जिद तक जाकर उसी रास्ते से वापस रविंद्र भवन पहुंची। भोपाल के सांसद आलोक संजर ने हरी झंडी दिखाकर इस मिनी मैराथन को रवाना किया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टूडेंट एग्जाम से ज्यादा रिजल्ट से डरते हैं, इसी वजह से परिवार की उम्मीदें और आसपास के लोगों के ताने उनके लिए घातक साबित होते हैं। इन सब बातों से परेशान होकर बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ सुसाइड जैसे गलत कदम भी उठा लेते हैं। इस समय इन बच्चों को पॉजिटिविटी देना बेहद जरूरी है ताकि वे अच्छा रिजल्ट न आने पर भी हताश न हो। कहाँ से आ रहे हो आप? इंदौर से दौड़ते आ रहे हैं हम भोपाल तक के लिए। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है कि आने वाली जनरेशन हमारी जन नशा मुक्ति रह का सहारा लेते हुए कोई नशे की चीज का उपयोग ना करे और दौड़े। दौड़ना सबसे आसान सबसे सस्ता है, स्वास्थ्य के लिए मंत्र है। हम 200 किलोमीटर दौड़ के आ रहे हैं। कब चले थे इंदौर से आप? 31 तारीख की शाम को 6:30 बजे। रात में कहीं विश्राम किया है? रात भर दिन भर चल के दौड़। रात और दिन पूरे दिन चले, फल फ्रूट ये खा के चल रहे हैं। जूस फल फ्रूट खाते हुए चल रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे यहाँ से आप? अभी हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं? अभी हम लोग अशोका लेक व्यू जाएंगे। अशोका लेक व्यू होटल समापन होगा, वहाँ समापन है। अच्छा, क्या क्या संकेत देना चाहेंगे आने वाली पीढ़ी को? ये कि कभी भी किसी नशे की चीज़ का प्रयोग ना करें और अपने स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण माने और उसके लिए कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करें। दौड़ सबसे आसान है, कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। क्या नाम है आपका पूरा? नाम अरुण कुमार भारद्वाज, इंदौर के रहने वाले, दिल्ली। मध्य प्रदेश को कभी टाइगर स्टेट कहा जाता था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ टाइगर्स की मौतें होने लगी ये दर्जा स्टेट से छिन गया। आज मध्य प्रदेश वापस इस दर्जे को पाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जिस रफ्तार से यहाँ पर टाइगर्स की मौतें हो रही हैं, उसे देखते हुए इस दर्जे को पाना एक बार फिर नामुमकिन सा लग रहा है और ये माना जा रहा है कि शायद ही ये दर्जा वापस मध्य प्रदेश को मिल पाए। आपको बता दें कि एक दिन पहले भोपाल होशंगाबाद के बीच मिडघाट रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की टक्कर से एक टाइगर की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब कई सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश बाघों की मौत का गढ़ बनता जा रहा है, जहां हर महीने औसतन 2 से 3 बाघों की मौत हो रही है। पिछले 15 महीनों की अगर बात करें तो 37 बाघों की मौत प्रदेश में हो चुकी है। इसमें से 75% बाघों की मौत करंट लगने, जादू टोने के लिए शिकार करने, ट्रेन की चपेट में आने और बाघों के बीच आपसी लड़ाई के कारण हुई है। यह आंकड़ा देश के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद बाघों की मौत की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। इससे पहले जनवरी 2016 से मार्च 2017 तक 36 बाघों की मौत हो चुकी है। मिडघाट बुद्धनी सेक्शन में 23 मई 2015 को पहली बार बाघ की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई। इसके बाद 1 अप्रैल 2017 तक 2 बाघ और 1 तेंदुए की मौत इसी सेक्शन में ट्रेन की चपेट में आने से हुई, लेकिन फिर भी कॉरिडोर का काम अटका है और विभाग ने चाली लगाने में देरी की। शहडोल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व में 1 दर्जन बाघों की मौत करंट लगने से हो चुकी है, जबकि कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच टाइगर रिजर्व में करीब 10 बाघों की मौत आपसी लड़ाई में हुई। मई जून 2015 में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघों का शिकार हुआ। बाघों की हड्डी और खाल दिल्ली और छिंदवाड़ा के नवेगांव थाने से जब्त की गई। इसी मामले में दिल्ली से एक आरोपी जे तमांग को गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ इंटरपोल ने भी नोटिस जारी किया हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश में अप्रैल की शुरुआत तेज गर्मी के साथ हुई। 8 साल बाद ऐसा हुआ है, जबकि अप्रैल का पहला और दूसरा दिन भी सबसे ज्यादा गर्म रहा। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने तापमान में अब मामूली गिरावट होने के आसार जताए हैं, साथ ही भोपाल अंचल में तेज लू चलने की संभावना भी जाहिर की है।
मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पिछले दिनों मध्य प्रदेश और उससे लगे महाराष्ट्र पर बना प्रति चक्रवात अब महाराष्ट्र की ओर खिसक चुका है। इससे राजधानी सहित प्रदेश में अन्य स्थानों पर दिन के तापमान में धीरे धीरे गिरावट आने की उम्मीद है। इसकी शुरुआत शनिवार से हो चुकी है, हालांकि मार्च की तरह अप्रैल में भी गर्मी के तीखे तेवर बने रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने भोपाल समेत प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अगले 3 दिन लू चलने की चेतावनी जारी रखी है। विभाग के मुताबिक अंचल में आ रही हवाओं में नमी नहीं है। राजस्थान की ओर से तपी हुई शुष्क हवाएं आ रही हैं, जिसके चलते सुबह 8 बजे से ही लोगों को तीखी धूप का एहसास हो रहा है। विभाग के अनुसार राजधानी भोपाल सहित रीवा, शहडोल, सागर, उज्जैन और ग्वालियर जिलों में कहीं कहीं मध्यम तो कहीं तीव्र लू का प्रकोप रहा। इंदौर को छोड़कर प्रदेश के प्रमुख शहरों का तापमान अभी भी 3 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा बना हुआ है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।